जो ग़लतियाँम मुसलमानों से नमाज़ में वाक़ होती हैं उनमें से ग़लती ये भी है कि बहुत सारे मुसलमान ऐसी मस्जिदों में नमाज़ अदा करते हैं जहाँ कब्रें होती हैं या दरगाह जो असल में क़ब्र है वहाँ पे नमाज अदा करते हैं हम मुसलमानों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम दीन तोहैद है एक अल्लाह की इबादत की तरफ़ बुलाता है और हर ऐसी चीज़ से हमें रोकता है मना करता है जो शिर तक पहुँचाने का ज़रिया बन जाए तो शिरक तक पहुंचाने के ज़रा और वसाइल से जब इस्लाम मना करता है तो वहीं से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बजात ख़ुद जो शिरक हो कुफ्र हो उन चीज़ों से किस हद तक शरीयत इस्लामिया इंसानों को मुसलमानों को रोकती है जिन चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना किया रोक दिया उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी है कि आदमी ऐसी मस्जिद में Allah की इबादत करे जिस मस्जिद में कब्रें पाई जाती हों। यह जो मस्जिद कब्रों पर बनाई गई हो ऐसी जगहों पर नमाज अदा करना मुसलमान के लिए हराम है पहले रसूल वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं उन्हीं हदीसों में से एक हदीस जुंदुब इबन अल्लाह अलबजली रज़ील् की है कि अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला वा कबूरा अम्बिया कि आगा रहना होशियार हो जाओ कि तुम में से पहले के जो लोग थे वो अपनी अम्बिया की खबरों को मस्जिदें बना लिया करते थे मस्जिदें बनाने का मतलब ये है कि अम्बिया के खबरों के पास मसाओकत वो नमाज पढ़ा करते थे नमाज अदा किया करते थे चाहे ये नमाज पढ़ना अल्लाह के लिए ही क्यों ना हो तो अम्बिया की कबरों के पास नमाज पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम इस हदीस में हमें मना करते हुए कहते हैं अला फलाकबूर अनहाकुम फुमालिक याद रखना कि तुम अम्बिया की कबरों को या तुम कबरों को मस्जिद न बना लेना मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकता हूँ मना करता हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबिया की कबरों को मस्जिदें बनाने से मना किया रोक दिया इसी तरीके से आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि जिस बीमारी में नबी करीम सल्ला वसलम का इंतकाल हुआ उस बीमारी में

के अल्लाह के नबीलाम ने फरमाया निनशरान वह अहिया वीनादून मसाजिद के क़ियामत जब क़ायम होगी कुछ लोग जिंदा होंगे दुनिया के ये सबसे बदतरीन मखलूक होंगे दुनिया के सबसे बदतरीन लोग होंगे कि इन लोगों ने अम्बिया के कबरों को सजदगा बना लिया इन लोगों ने कबरों को मसाजिद बना लिया दुनिया के ये सबसे बदतरीन लोग हैं और इन्हीं पर क़ियामत वाकई होगी इन हदीसों से कुछ बातें हमें मालूम होती हैं कि ऐसी जगहों पर नमाज अदा करना जहाँ कबरें बनी हुई हों के नबी अलैहिस्सलाम ने उससे मना किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों कि बर्बाद होने की बशारत सुनाई अल्लाह के नबीम ने ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत की बदतुआ दी और ऐसे लोगों को रूय ज़मीन का सबसे बदतरीन इंसान करार दिया चाहे एक कबर हो चाहे खबरें एक से ज़्यादा हो हर तरह की ऐसी मस्जिदें जहाँ खबरें पाई जाती हों चाहे खबर एक हो या एक से ज़्यादा हो ऐसी जगहों पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए और इसी तरीके से अगर मस्जिद कब्रस्तान के दरमियान में पाई जाती हो चाहे कबर आगे हो चाहे दाएं बाएं हो चाहे पीछे हो ऐसी मस्जिद में नमाज अदा करना हराम है अगरचे कब्र सामने होने से इसकी हरमत ज्यादा शदीद हो जाती है लेकिन जहाँ पे कबरें पाई जाती हों और कबरों के दरमियान मस्जिद बनी हुई हो चाहे कबर आगे हो दाएं, बाएं हो या पीछे हो ऐसी मस्जिद में नमाज़ अदा करना हराम है अगर मस्जिद कब्रस्तान में बनाई गई हो तो वहाँ से मस्जिद को हटा देना चाहिए और अगर मस्जिद बनाकर कबरें वहां वहाँ बनाई गई हों तो ऐसी सूरत में खबरों को वहां से मुंतकिल कर देना चाहिए और इन हदीसों उलमा ने एक फायदा ये भी किया है कि अगर और मस्जिद के दरमियान सिर्फ मस्जिद की दीवार हाइल हो कोई और हाइल या कोई और रुकावट ना पाई जाती हो तो ऐसी जगहों पर ऐसी मस्जिदों में नमाज अदा करने से भी एहतराज करना चाहिए बचना चाहिए और अगर ऐसी मस्जिद और क़ब्रस्तान के दरमियाँ मस्जिद की दीवार के अलावा कोई और हाइल भी पाया जाता है कोई और रुकावट कोई और आड़ भी पाई जाती हो तो ऐसी मस्जिद में नमाज़ अदा की जा सकती है उस मस्जिद में नमाज़ अदा करने में कोई हरज की बात नहीं है मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों अल्ला अल्लाह के नबी आई ने कब्रस्तान में अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने से भी रोक दिया और जहाँ नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह के नबी नबीम ने फ़रमाया कि नहाँ जहाँ नमाज अदा की जाती है वो खबर नहीं है लिहाजा जिन मसाजिद में कब्रें पाई जाती हों वहाँ अल्लाह के लिए नमाज अदा नहीं की जा सकती चे जाए कि कोई इंसान अल्लाह के लिए दरगाह में नमाज़ अदा करे रब करीम से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को शिर्क के कामों से महफूद रखे और शिर्क के लिए जो वसीला और जरिया बन सकता हो अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों से बचाए रखे आमीन व आखरुदाना अलहदुल्ल रबीन असलम आलकमल वर्का